हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपकी एग्रीकल्चर मेंटर सपना अग्रहरी आज आपके साथ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करूंगी। हम देखेंगे कि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में सॉइल साइंस का क्या सिलेबस है। बेटा, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो उसमें आपके सॉइल साइंस के फंडामेंटल पोर्शन को कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं कि आपके फंडामेंटल पोर्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है बेटा, वो आपका कौन सा है, उसमें आपको वो है आपका सॉइल पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल। मतलब इस यूनिट में आपको सॉइल के एकदम बेसिक बातों को जानना है, सॉइल की डेफिनेशन को जानना है, सॉइल के पेडोलॉजिकल और डेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जानना है और उसके कॉम्पोनेंट को जानना है कि सॉइल किस किस चीजों से मिलकर बनी है, सॉइल क्या क्या कंटेन करती है। नेक्स्ट यूनिट है आपका बेटा इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मिनरल एंड रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड प्रोसेस। इसमें बेटा आपको सॉइल पहले तो आपकी डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, सॉइल के कॉम्पोनेंट पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है कि सॉइल फॉर्म कैसे हो रही है, सॉइल बन कैसे रही है, उसके क्या क्या मेजर रोल है, मतलब क्या क्या वो कैसे कैसे वो फॉर्मड हो रही है, उसका क्या क्या मेजर प्रोसेस है आपका, इन सब चीजों के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मिंग मिनरल एंड रॉक में पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बन रही है, उसकी क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उसमें उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इसको हम आपके सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड है बेटा आपका डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल आपकी डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, सॉइल की फॉर्मिंग फैक्टर्स पढ़ लिए, प्रोसेसेस पढ़ लिए, अब आप थर्ड यूनिट में क्या पढ़ोगे कि सॉइल में प्रोफाइल कैसे डेवलप्ड हो रहा है या कौन कौन सी प्रोफाइल है जो सॉइल में प्रेजेंट है, आप इसको कहाँ पढ़ेंगे बेटा, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स देयर सिग्निफिकेंस। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, भौतिक गुण, आपकी सॉइल के कौन कौन से भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब उनका क्या रोल है आपके सॉइल में, आपके प्लांट ग्रोथ में, इन सब चीजों को आप किसमें पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड देयर सिग्निफिकेंस में पढ़ोगे, मिट्टी के भौतिक गुण एवं उनका महत्व में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज फिनोमेना एंड देयर इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। कुछ आप पहले आपने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने अपने थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, अब आप फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ोगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, सॉइल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके रासायनिक गुण कौन कौन से, इसको पढ़ोगे और उसमें कैटायन और एनायन जो एक्सचेंज होता है आपके आयंस का, वो कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कौन कौन से एलिमेंट उसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इन सब चीजों की स्टडी आप किसमें करोगे बेटा, आप जो है वो आपने फिफ्थ यूनिट में करोगे, केमिकल प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कैटायन एनायन एक्सचेंज फिनोमेना एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में कैसे वो इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप किस में पढ़ोगे, अपने फिफ्थ यूनिट में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका बेटा सिक्स यूनिट है सॉइल एयर। बेटा देखिए, जो आपका जो सॉइल होता है उसके फोर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से आपका एक कंपोनेंट आपका सॉइल एयर और सॉइल वाटर भी होता है। तो आप सिक्स यूनिट में क्या पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सॉइल एयर है क्या, उसके बाद कॉम्पोजिशन सॉइल एयर किस किस चीज क्या क्या उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सॉइल एयर में किस किस चीज का कॉम्पोजिशन है और उसके फैक्टर क्या है, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है सॉइल के प्लांट के मेटाबॉलिज्म को, उसकी एक्टिविटीज को, उससे क्या वो कैसे हेल्पफुल है आपके कल्टिवेशन के लिए, ये सब आप किसमें पढ़ोगे, सॉइल एयर में पढ़ोगे यूनिट सिक्स में। सेवन आपका जो टॉपिक है बेटा वो क्या है आपका, सॉइल वाटर है। सॉइल क्या है, वाटर है, मृदा जल क्या होता है, ये इसमें आप पढ़ेंगे कि सॉइल वाटर मतलब मृदा में मिट्टी में सॉइल का वाटर का रिटेंशन कैसे होता है, जल का अवशोषण कैसे होता है, जल कैसे उसमें रुका रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो आपके प्लांट को, जिसको जिसका आपके प्लांट क्या कर सके, अपटेक कर सके, इन सब चीजों के बारे में आप किसमें पढ़ोगे, सॉइल वाटर में पढ़ोगे कि रिटेंशन क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, और मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर सॉइल के अंदर कैसे कैसे मूव कर रहा है और वो आपके प्लांट तक कैसे पहुंच रहा है, उसके अपर पोर्शन तक कैसे पहुंच रहा है। सेवन चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बाकी भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है बट ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे इसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है।
क्या है आपका? सॉइल कोलॉइड्स। इसमें क्या है आपका? नेचर। आपको सॉइल कोलॉइड्स में क्या पढ़ना है बेटा? नेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर, उसका नेचर कैसा होता है। सॉइल कोलॉइड्स देखिए बेटा, जो आपके सॉइल कोलॉइड्स होते हैं वो जो है तीन टाइप के होते हैं। उन सब चीजों को हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हम बस जानते हैं जो सॉइल कोलॉइड्स है उसमें आपको नेचर उसका पढ़ना है, क्या उसका स्वभाव है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके गुण क्या क्या है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है, और सेम कि सॉइल में उसका क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, जितने भी आप यूनिट्स को कवर करोगे, आप सब में उस एक चीज देखोगे कि आपको लास्ट में टॉपिक कवर होने के बाद आपको बताया जाएगा कि उसके रोल क्या है, आप वो सॉइल में किस तरह से अपना मेजर रोल प्रेजेंट कर रहा है, सॉइल को उसको किस प्रकार से कितनी उसकी जरूरत है। ये हो गया बेटा आपका यूनिट 8। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं यूनिट 9 पे। तो हम पढ़ेंगे कि सॉइल रिएक्शन फैक्टर कंट्रोलिंग ऑफ सॉइल pH and influence of soil reaction on ability of nutrients. Soil में क्या क्या reaction हो रहा है, मतलब soil में भी कुछ elements present होंगे, microbes present होंगे, elements present होंगे, और क्या होगा उसमें, वो कैसे soil पे effect कर रहा है, उस soil का जो अंदर reaction हो रहा है वो कैसे effect कर रहा है, कैसे उसका pH increase हो रहा है, कैसे उसका pH decrease हो रहा है, कब soil acidic हो रही है, कब soil आपकी neutral हो रही है, sorry कब आपकी soil acidic हो रही है और कब आपकी soil basic हो रही है, sorry neutral तो हो ही नहीं सकती, तो acidic कब हो रही है और basic कब हो रही है, इन सब चीजों का, ये सब depend करता है आपके किस पे, chemical reaction में। तो हम इन सब चीजों का reaction, इन सब चीजों के बारे में, pH के बारे में, वो कैसे soil को कर रही है और वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट कर रही है, इन सब चीजों को हम कहां पढ़ेंगे, सॉइल रिएक्शन में पढ़ेंगे। 10th आपका यूनिट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये भी आपका एक कंपोनेंट ही है सॉइल का, सॉइल का एक मेजर कंपोनेंट है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या है उसका, देयर मेंटेनेंस क्या है, उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं सॉइल में, और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब किससे किससे मिलकर के ऑर्गेनिक मैटर आपका बना है, और ह्यूमस का फॉर्मेशन, सो ऑर्गेनिक मैटर से वो ह्यूमस में कैसे फॉर्म्ड हो रहा है और कैसे वो अफेक्ट कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी को, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई हमारी 10th यूनिट की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि आपका कौन सा है बेटा, 11th यूनिट है, जिसमें क्या है आपके बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जैव उर्वरक क्या होते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब आप सबको पता है उर्वरक, जो हमारी क्रॉप को उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, वो क्या होते हैं आपके फर्टिलाइजर होते हैं। तो फर्टिलाइजर केमिकल भी, सॉरी ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। आपको ये पता होगा जो नेचर के थ्रू, जो नेचर की सब्सटेंसेस से जो हमें मिल जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो आपकी कंपनीज फैक्ट्रीज तैयार करती हैं, जो केमिकल फॉर्मूले से तैयार होते हैं, लैब में तैयार होते हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जैव फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की बात करेंगे, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो आपको, जो आपके जैव, मतलब जो कीड़े मकोड़ों के थ्रू आपको मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिल रहे हैं, नेचर्स के थ्रू मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जैव फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। इसमें आप क्या पढ़ोगे बेटा, डेफिनेशन पढ़ोगे, इसको भी तो मैंने वर्बली बता दिया बट आप इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है उसको पढ़ोगे, इसके टाइप्स पढ़ोगे कि बायो फर्टिलाइजर के क्या क्या टाइप है, उसके बाद इनके पोटेंशियल को पढ़ोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से फर्टिलाइजर का रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, किसमें, आपके सॉइल में, इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो आप पढ़ोगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, और न्यूट्रिएंट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट को सोलुबलाइज कर रहे हैं, उसको सॉइल में अवेलेबल कर रहे हैं, घुलनशील बना रहे हैं, वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन सोलुबलाइजिंग वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ोगे, और बायो फर्टिलाइजर के मेरिट को पढ़ोगे कि कैसे आपके लिए बायो फर्टिलाइजर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके सॉइल के लिए। ये आप कवर करोगे अपने 11 यूनिट में। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर यूपी सॉइल, कि सॉइल कितने टाइप की है आपके भारत में, आपकी इंडिया में, और स्पेशल रेफरेंस आप किसको दोगे, यूपी के। देखिए जो राजस्थान की मिट्टी है, वो मिट्टियां हैं वो कुछ अलग अलग होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया की, एमपी की मिट्टियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया की अलग अलग होंगी, वैसे ही यूपी की भी मिट्टियां तो अलग अलग सिटी वाइज अलग अलग है, एरिया वाइज अलग अलग है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं बेसिकली यूपी के बारे में, हमारे सिलेबस में यूपी को रेफरेंस दिया गया, यूपी को मतलब पढ़ने के लिए कहा गया, तो हम यूपी
की सॉइल को मोस्टली पढ़ेंगे कि वो क्या क्या किस किस प्रकार की होती हैं। तो हम 12th चैप्टर में क्या कवर करेंगे बेटा, अपना इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर यूपी सॉइल। ये था बेटा आज का आपका पूरा सिलेबस, सॉइल साइंस बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस का सिलेबस था। आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आया होगा, आपको पता होगा कि पता चला होगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से आपके ये पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सॉइल साइंस कब फिनिश्ड हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपको फिर से वो टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो ये सिलेबस आपको समझ में आ गया, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज आपके यूनिट फर्स्ट को लेक्चर फर्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे डीएनएस बैच के साथ डीएनएस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच को ले सकते हैं, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें कि क्या है बीएससी, जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट हैं वो मैथ से हो चाहे बायोलॉजी से हो चाहे एग्रीकल्चर से हो या चाहे बीकॉम से हो, वो सब लोग हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। उन सब के लिए हमारी फैकल्टी हमारे सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आपके कोर्स के कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, क्लास नोट्स और पीडीएफ मिलेगी, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन मतलब आपके जो सेमेस्टर्स में पेपर्स आते हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनके पीडीएफ मिलेंगे, और आपके कोई स्पेशल गाइडलाइंस, आपके कोई डाउट होगी तो आपको स्पेशल गाइडलाइंस मिलेंगे। आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जिसका नाम है डीएनएस एडुकेयर ऐप, और अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसमें कि आपको कोर्स की ड्यूरेशन 5 महीने की मिलेगी, 5 मंथ्स की मिलेगी, और जो कोर्स वैलिडिटी होगी वो आपकी 1 साल की होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।